नमस्कार दोस्तों, रेस्क्यू टीम भाणुजा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा स्नेक को जंगल में रिलीज़ करने वाले हैं। और दोस्तों देखिए आप ये किस प्रकार जो कोबरा स्नेक होता है ये काफ़ी एग्रेसिवली अटैक करता है। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं वो कोबरा स्नेक के काटने से होती हैं, और सही टाइम पर उपचार नहीं मिलने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों कोबरा, ओ माय गॉड, इसने अटैक कर दिया है। दोस्तों ये काफ़ी एग्रेसिव होकर अटैक कर रहा है। देखिए आप किस प्रकार से ये अटैक कर रहा है। ओहो माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है यह स्नेक, क्योंकि इतने सारे इंसानों के बीच में यह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। दोस्तों जब भी जो कोबरा स्नेक होता है, नॉर्मली वो आमतौर पर ये जो कोबरा स्नेक होता है वह अपने फन को फैला देता है। यह देखिए दोस्तों ये अटैक कर रहा है। यह जो कोबरा स्नेक होता है ये एग्रेसिवली अटैक कर रहा है। और दोस्तों इस कोबरा स्नेक के पास एक विष से भरी हुई थैली होती है, और दोस्तों वेनम से यह भरी हुई थैली के अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है। और यह अपने दोनों विष दंतों के माध्यम से जो भी इसका जो टारगेट या ऑब्जेक्ट होता है उसमें यह इंजेक्ट कर देता है, और न्यूरोटॉक्सिन वेनम ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, और इंसान का जो शरीर होता है वो पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस होने से उसका जो हार्ट फेल हो जाता है, और हार्ट फेल होने से इंसान की दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसलिए कोबरा जो स्नेक होता है ये काफ़ी वेनमस स्नेक होता है। ये देखिए माय गॉड, कितनी खतरनाक तरीके से एग्रेसिवली, ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक होकर हमला कर रहा है। दोस्तों ये है कोबरा की ताकत। दोस्तों भारत में जो ज़्यादातर मौतें होती हैं वह कोबरा स्नेक के बाइट करने की वजह से ही होती हैं, क्योंकि अज्ञानवश किसी लोगों का पेड़ लग जाता है, या फिर गलती से कोई छेड़छानी करता है, या फिर जानबूझकर उसको छेड़ता है तो कोबरा स्नेक डस लेता है और इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों कोबरा स्नेक के अलावा भारत में जो रसल स्वाइपर होता है और जो कॉमन करेट होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा मौतें होती हैं। लेकिन दोस्तों कोबरा जो स्नेक होता है, इस टाइप का स्नेक भगवान शिव जो होते हैं वह अपने गले में धारण करते हैं। और दोस्तों भगवान शिव हमें संदेश देते हैं कि चाहे कोबरा स्नेक हो या फिर कोई सा भी स्नेक हो, उन्हें कभी भी मारना नहीं चाहिए डंडों से, क्योंकि दोस्तों इन स्नेक्स का हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें काफ़ी अहम योगदान होता है। दोस्तों सांपों की प्रजातियों में सबसे ज़्यादा अटैक कोबरा स्नेक करता है। ओ माय गॉड, देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसने अटैक कर दिया है, देखिए आप फिर से देखिए। और दोस्तों बहुत ही खतरनाक एग्रेसिवली अटैक कर रहा है ये बार बार इस ढक्कन पर, क्योंकि दोस्तों यह काफ़ी घबराया हुआ है। और इसके फन जब भी इसको खतरा महसूस होता है तो यह अपने टारगेट या फिर इसके सामने जो ऑब्जेक्ट होता है उसके सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने फन को फैला देता है। और फन को फैलाने का मतलब यही है कि यह डरा हुआ है और आप पर अटैक कर सकता है। इसीलिए दोस्तों आप कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करें, सांप को किसी प्रकार से छेड़े नहीं, लाठी डंडों से उसको मारे नहीं, क्योंकि दोस्तों अटैक कर सकता है वो आपके ऊपर और फिर इवेंचुअलिटी हो सकती है। इसलिए दोस्तों यह जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वह कोबरा स्नेक के काटने से ही होती हैं। दोस्तों देखिए किस प्रकार से ये अटैक कर रहा है, बार बार इस ढक्कन पर ये बार बार अटैक कर रहा है। आज काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी डरा हुआ है यह स्नेक, इसीलिए आज हम इसको रिलीज़ कर देंगे। हमने इसको रिहायशी इलाके से पकड़ा था। और दोस्तों सांप जो होता है, ओ माय गॉड, ये बार बार अटैक कर रहा है। दोस्तों ये जो कोबरा स्नेक होता है, ओ माय गॉड, ये एग्रेसिवली होकर अटैक कर रहा है। दोस्तों कोबरा जो स्नेक होता है वह 2 मीटर तक ऊँचा हो सकता है, अपने जो बैकबोन होती है उसकी वजह से 2 मीटर तक अपने आप को ऊँचा उठा सकता है। और दोस्तों इस कोबरा को स्पेक्टिकल्ड कोबरा और इंडियन कोबरा या फिर नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम इसका नेजा नेजा होता है, और इसको इंडियन कोबरा या फिर स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कहा जाता है। यह बार बार अटैक कर रहा है। अब मैं इसको इसकी पूँछ पकड़ के इसको जंगल में छोड़ देता हूँ, जहाँ पर ये जाएगा और चूहे वगैरह खाएगा और इस एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।